पे स्पॉट करके नियो को अपने सिंगल टैप्स के द्वारा डाउन किया है। अगर हम पोजीशनिंग की बात करें, टीम गॉड लाइक जरूर से प्रबल दावेदार इस पर्टिकुलर मैच में, विनर विनर चिकन डिनर के, बिकॉज एक अच्छा हाइट का एडवांटेज हमें उनके पास देखने को मिल रहा है। जो एरिया उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, स्प्रेड होकर के खेल रहे हैं, तो पोजीशनिंग वाइज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम गॉड लाइक हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें टीम एक पार की साइड से, यहाँ पर एक बढ़िया जो स्लैमिन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये मुश्किलें बढ़ा सकता है टीम गॉड लाइक की। टीम एक पार को ही पता है कि अगर यहाँ पे इस मैच में वापस आना है तो ये जो पोजीशन है टीम गॉड लाइक की वो उनको लेनी पड़ेगी। क्लच गॉड को स्पॉट किया गया, नियो के ऊपर भी स्प्रे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी खिलाड़ी को डाउन करने में कामयाब नहीं। स्काउट वर्सेस जॉनसन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कि क्या यहाँ पर जो नॉक है वो आएगा। जॉनसन अभी के लिए ग्रेनेड जो है वो कुक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीम एक पार की, तो उनकी जो पोजीशनिंग है काफी ज्यादा कम एरिया में सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम गॉड लाइक के चारों खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अब जो ग्रेनेड का आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिल सकता है। जॉनसन एक और ग्रेनेड यहाँ पर कुक करते हुए क्या कनेक्शन बनाने में कामयाब पाएंगे। क्लच गॉड को मीनवाइल यहाँ पे स्पॉट करके डाउन कर देगा मवी के द्वारा और अब टीम एक्स पार्क यहाँ पे जरूर से क्लोज इन कर सकते हैं। मवी अभी भी पीछे के साइड से कवर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जॉनसन को डाउन कर दिया गया। स्काउट के द्वारा जो फिनिश है वो यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। टीम गॉड लाइक अभी के लिए एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एक्स पार्क अभी के लिए रैंपेज पर हमें जरूर से देखने को मिल जाएगी। रिवाइवल का यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा। टीम गॉड लाइक से दो ही प्लेयर सर्वाइविंग, नियो एंड डी गॉड। जी बिल्कुल, इंडिया के दो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स के बीच में हमने 1v1 का यहाँ पे सिचुएशन देखा। स्काउट थोड़ा सा आगे जाते हुए हमें दिखाई दिया, बट रॉनर की बात करें उनको भी डाउन किया गया नियो के द्वारा। डेस्टो की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा, बट नियो खुद भी डाउन है। जॉनसन खत्म हो चुके हैं, दो प्लेयर बचेंगे यहाँ पे, बट नहीं, इसी के साथ एक और प्लेयर खत्म होता हुआ स्काइलाइट गेमिंग का लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। बट जी गॉड की बात करें वो भी अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हुए। टीम एक्सपर्ट की स्क्वाड को आप देखें, एक पूरा डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। 11 फिनिशर्स उनके नाम है, मुझे लगता है ये मरा हुआ भी जल्द उनके नाम आने वाला। बट स्काउट सीधा आगे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। स्काउट वर्सेस जी गॉड होता है, स्काउट एक बार फिर से आगे निकलेंगे। जी गॉड को उन्होंने डाउन किया, 12 फिनिशर्स करिए उसको। कमला बॉय आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, बट नहीं, उनको भी खत्म किया गया। क्या स्काउट ही थे? बट नहीं, मावी थे, उन्होंने आखिरी प्लेयर को खत्म किया और इसी के साथ पूरी स्क्वाड स्काइलाइट गेमिंग की खत्म हुई। बड़ा आप स्काउट को देखें, आप टीम एक स्पार्क को देखें, जो उन्होंने गेम दिखाए, जो उन्होंने फिनिशेस निकाले और खासकर जो वो नाचने का पैसा लेगा क्या? 150 रुपया देगा।